हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 7B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 7C। तो इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे। मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन, किस तरह से दो या दो से ज़्यादा डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वो आप इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट वर्ड है इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट 7.8 की मल्टीप्लाई 5.4 से होनी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ पहले 4 की करेंगे, 4 8 जा 32, 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ, 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 31, यहाँ पे 2 के नीचे क्रॉस लगेगा। अब 5 की करेंगे दोनों से, पहले 5 की 8 से, 5 8 जा 40, 4 इधर आ जाएगा, 5 7 जा 35, 35 प्लस 4 39। अब आप इनको ऐड करोगे, 2 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 3 12, 3 प्लस 1 4। अब आंसर मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हमें इसमें डेसिमल लगाना है। देखो 7.8 में डेसिमल लास्ट से एक डिजिट पहले, 5.4 में डेसिमल लास्ट से एक डिजिट पहले, तो आपको कितनी डिजिट पहले पॉइंट मिला हुआ है? एक डिजिट पहले इधर है पॉइंट, एक डिजिट पहले इधर, तो टोटल मिला के 2 डिजिट पहले आप पॉइंट लगाएंगे, लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 42.12। तो इस तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। सेकेंड भी सेम वे में होगा, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 16.45 की मल्टीप्लाई 6.9 से होनी है, तो सबसे पहले आप 9 के करोगे 5 से, 9 5 जा 45, 4 कैरी आएगा, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40 का 0 आ जाएगा, 4 इस पे कैरी आएगा, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, 5 कैरी आएगा, 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 14। अब 5 के नीचे क्रॉस लगाएंगे, अब हम 9 को छोड़कर 6 से करेंगे। अब 6 की मल्टीप्लाई सबसे करनी है, पहले लास्ट से करेंगे, 6 5 जा क्या होता है 30, 0 इधर आएगा 30 का, और 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कैरी वाला 27, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 38, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 कैरी वाला जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 5 0 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 4 12 और 1 13, 1 कैरी, 9 and 1 10, 10 and 1 11। अब आप डेसिमल लगाओगे, देखो पहले वाले में डेसिमल लास्ट से 2 डिजिट पहले है, 2 डिजिट पहले, और दूसरे वाले में डेसिमल लास्ट से 1 डिजिट पहले, तो 2 डिजिट पहले इसमें हो गया, 1 डिजिट पहले इसमें हो गया, तो टोटल मिला के बिफोर 3 डिजिट आप पॉइंट लगाएंगे, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 113.505। तो इसी तरह से आप सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 तक। 6 तक तो आप यही सेम पैटर्न फॉलो करोगे सब में, ठीक है। अब 7th से आगे वाले जो पार्ट हैं वो आप ओरली कर सकते हो, मींस उनमें हमें ये मल्टीप्लिकेशन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो यहाँ 7th पार्ट देखो, 6.28 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है। जब भी आप मल्टीप्लाई 10 से करो या 100 से करो या 1000 से या 10,000 से, कहने का मतलब है आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें 1 के आगे 0 अगर आ रही हैं तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करके दिखानी नहीं पड़ती, उसको हम ओरली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप 628 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 से करोगे, ठीक है। तो 628 वन जा क्या होता है? 628, और ये जो लास्ट की 0 रहती थी ये लास्ट में लगा दोगे, और फाइनली इसमें पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे कितने डिजिट पहले पॉइंट है? 2 डिजिट, तो हम भी 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बिल्कुल लास्ट में अगर 0 आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो फाइनल आंसर हो गया 62.8। पार्ट नंबर 8th भी ऐसे ही होगा, ओरली कर लेंगे हम इसे। 13.65 की मल्टीप्लाई 100 से होनी है, तो सबसे पहले आप पॉइंट वाइंट भूल जाओ, 1365 की मल्टीप्लाई किससे करो? 1 से,
तो 1365 वन जा कितना होता है, 1365 होता है। 100 की लास्ट की दो जीरो आप लास्ट में लगाओगे। अब डेसिमल जो है इसमें है, लास्ट से कितने डिजिट पहले, दो डिजिट पहले, तो आप भी लास्ट से दो डिजिट पहले डेसिमल लगाओगे और डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो फाइनल आंसर हो गया 1365। तो इस तरह से पार्ट नंबर 8 करोगे। 9th भी बिल्कुल सेम वे में करना है, 10th भी, क्योंकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। 11th भी बिल्कुल सेम वे में होगा। 12th देखो कैसे होगा, एक और बता देता हूँ मैं आपको। 12 304.26 मल्टीप्लाई 1000। देखो सबसे पहले हम 30426 की करेंगे 1 से, पॉइंट को अभी हम भूल जाते हैं, पॉइंट हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। 30426 की मल्टीप्लाई 1 से करने पे आंसर वही आता है, 30426 ही आएगा। इसकी लास्ट की जो तीन जीरो थी 1000 की, वो लास्ट में लगाएंगे। अब डेसिमल इसमें है लास्ट से कितने डिजिट पहले, दो डिजिट पहले, तो आप अपने आंसर में पॉइंट लास्ट से दो डिजिट पहले इधर लगाओगे। और लास्ट में आने वाली जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, जो पॉइंट के राइट हैंड साइड पर आती है। इस जीरो को तो लेना पड़ेगा, बट आगे वाली जीरो को कट कर देंगे, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 304260। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 34.7 मल्टीप्लाई 0.1। देखो इसमें भी हम ओरली ही कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसमें बस 1 लिखा हुआ है और उसमें पॉइंट है। तो 1 लिखा हो, 10, 100, 1000 या 0.1, 0.01 इस तरह के नंबर हो, तो हम उनको ओरली ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पॉइंट भूल जाते हैं, 347 की 1 से करेंगे। 347 1 जा कितना होता है, 347। अब इसमें लास्ट में 1 के आगे 0 भी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लास्ट में 0 आ रही थी, तो हम इधर लास्ट में 0 लगा देते थे। अब यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पे बस आपको अब पॉइंट गिनना है। इस वाले नंबर में 1 से पहले एक डिजिट के पहले पॉइंट है, और इस वाले नंबर में भी एक ही डिजिट के पहले पॉइंट है। तो मल्टीप्लाई में एक डिजिट के पहले इधर हो गया, एक डिजिट के पहले इधर, तो यहाँ पे आंसर में पॉइंट कितने डिजिट के पहले लग जाएगा, दो डिजिट के। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट करोगे। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह सेम वे में करेंगे। 2.65 × 0.01 है, तो सबसे पहले तो आप 265 पॉइंट को भूल जाओ, 265 की 1 से करो। 265 1 जा कितना होगा, 265। देखो 1 के आगे तो कहीं 0 कुछ है नहीं, तो जब 1 के आगे 0 है नहीं, तो बस अब हमें पॉइंट काउंट करना है। पॉइंट यहाँ पे दो डिजिट के पहले आ रहा है, और यहाँ पे भी पॉइंट दो डिजिट के पहले, तो टोटल मिला के कितने डिजिट के पहले हो जाएगा पॉइंट, 4 डिजिट के पहले। तो हम 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ 4 डिजिट के पहले लेंगे, जबकि यहाँ चौथी डिजिट थी ही नहीं, हमारे पास 3 ही थी। 4 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा है और डिजिट है 3, 1, 2, 3, तो हमें यहाँ एक ज़ीरो लगा के 4 बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब डिजिट्स कम पड़ जाएँ, तो आप उल्टा चल रहे थे पॉइंट लगाने के लिए, लास्ट से 4 डिजिट पहले पॉइंट लगना था, तो चौथी डिजिट जो यहाँ कम पड़ रही है उसमें हम 0 लेंगे और उसके पीछे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 0.0265, और पॉइंट के पीछे भी 0 लगा सकते हैं, तो आंसर है 0.0265। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। थर्ड पार्ट भी सेम वे में ही करना है। 75 की मल्टीप्लाई 0.001 से होनी है, तो हम पॉइंट तो भूल जाते हैं, पहले 75 की सिर्फ 1 से करते हैं। 75 1 जा कितना होता है, 75, ठीक। अब 1 के आगे तो कहीं 0 है नहीं, बस हमें अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट इसमें है लास्ट से 3 डिजिट के पहले, लास्ट से ही पढ़ते हैं 3 डिजिट के पहले, तो इसमें तो है नहीं, तो बस 3 डिजिट पहले आंसर में लगाएंगे हम पॉइंट, लास्ट से 1 डिजिट, 2 डिजिट, तीसरी डिजिट यहाँ है ही नहीं, तो हमें तीसरी डिजिट को 0 लगाना पड़ेगा, तो लास्ट से 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.075, या फिर हम इसे लिख सकते हैं पॉइंट के पीछे भी 0.075, पॉइंट के पीछे भी 0 लगा के दिखाना चाहिए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द क्वोशेंट, यहाँ पर हमें डिवाइड करके आंसर फाइंड करना है, जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट। हमें डिवाइड किस किस को करना है, हमें डिवाइड करना है 147.2 को, तो जिस चीज़ को डिवाइड करना है ना वो तो इनसाइड में फिल करो, और डिवाइड किससे करना है वो बाहर लिखो, 32 से डिवाइड करना है तो हम 32 को बाहर लिखेंगे। अब देखो 32 के टेबल में ये तीन डिजिट देखनी है हमें, क्योंकि दो डिजिट तो आएंगी नहीं 32, क्योंकि 32 खुद ही 14 से बड़ा है, तो हमें 147 को देखना है। तो 32 के टेबल में देखेंगे, 32 6 जा 192 होता है, 32 5 जा अगर आप रफ में करेंगे मल्टीप्लाई 32 5 जा तो 160 आएगा, वो भी बड़ा आएगा। 32 4 जा करेंगे, 32 4 जा सही रहेगा, 32 4 जा 128, और इन्हें माइनस करेंगे, 17 माइनस 8 होगा 9, इधर रह जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, तो रिमाइंडर 19 आएगा। ऊपर से लाएंगे 2, तो जब आप ऊपर वाली वैल्यू नीचे ला रहे हो तो उसके पीछे पॉइंट नज़र आएगा आपको लगा हुआ, तो ये पॉइंट आप आंसर में लगाओगे। तो जब कोई वैल्यू नीचे ला रहे हो और उसके पीछे पॉइंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप आंसर में भी पॉइंट लगाओगे, ठीक है। 32 के टेबल में अब हम 192 को देखेंगे, तो 32 के टेबल में अगर आप 6 जा करोगे, 32 6 जा, तो आंसर 192 ही आता है। तो फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का आपका क्या हो गया, 4.6। अब देखो सेकंड पार्ट, डिवाइड हमें किसको करना है, 156.45 को, तो जिसको डिवाइड करना है वो तो इनसाइड में आएगा, और 15 से करना है तो वो बाहर आएगा। 15 के टेबल में 15 आ जाएगा, 1 जा 15, 1 जा 15, माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 0, ऊपर से लाएंगे हम 6। जब माइनस करके रिमाइंडर आता है तो अगली डिजिट ऊपर से उतारी जाती है, अगर वो अगली डिजिट डिवाइड ना हो पाए गिवन नंबर से तो आप 15 के टेबल में 6 को डिवाइड करने के लिए 0 जा लोगे, क्योंकि 15 1 जा 15 तो इससे बड़ा हो जाएगा, हमने ऊपर से वैल्यू 6 नोट करी थी बट 6 तो 15 से छोटा है, तो 15 1 जा नहीं करेंगे, 15 0 जा करेंगे, 15 0 जा कितना होगा 0, और ये जो हमने ऊपर से नोट करी थी इसको हमने डिवाइड करके बना लिया रिमाइंडर माइनस करके, अब हम इन्हें माइनस करेंगे और रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 0 जा 0 लिया, क्योंकि 15 1 जा 15 6 से बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 15 0 जा 0 किया। अब रिमाइंडर माइनस करके 6 आया, ऊपर से आप लोगे 4, और आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैंने ऊपर से वैल्यू नोट करी है नीचे, इसके पीछे पॉइंट था, तो आंसर में भी क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब 15 के टेबल में 64 को देखना है, ये तो नहीं आता, 15 4 जा 60 ज़रूर आता है, तो 15 4 जा 60 ये लिया हमने, रिमाइंडर 4, ऊपर से ले आए 5, ऊपर से क्या ले आए 5, तो ये बन गया 45। 15 कितने जा 45 होता है, 15 3 जा 45, और माइनस करके रिमाइंडर आ गया 0, तो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आया, 10.43। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, 3 पार्ट, डिवाइड करना है 130.56 को, किससे करना है, 64 से, तो हम 64 का टेबल रफ में लिख के देखेंगे, 64 2 जा करोगे तो 64 2 जा 128 होगा, माइनस करके रिमाइंडर आएगा 2। अब आप ऊपर से नंबर नोट करोगे नीचे 5, जब आपने ये नंबर ऊपर से नीचे नोट किया ना तो पीछे आपको क्या नज़र आया, पॉइंट, तो आंसर में भी पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ऊपर से हम नीचे तो ले आए नंबर और ये बन गया 25, 64 का टेबल देखना है तो 64 के टेबल से 25 तो कटेगा नहीं, ये छोटा नंबर है, ऊपर से हमने नोट कर ही लिया था, तो अब हम क्या करें, हमें यहाँ 64 1 जा 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 जा ना करके 0 जा करना है, 64 0 जा कितना होता है 0, माइनस करके रिमाइंडर आएगा 25, ऊपर से कौन आएगा 6। अब 64 के टेबल में देखना है, 64 4 जा कितना होता है, अगर आप रफ में करोगे 64 4 जा 256 ही होता है, माइनस करके रिमाइंडर 0, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 2.04। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। फोर्थ पार्ट ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, सेम वे में ही जो हमने अभी यहाँ स्टेप फॉलो करे वही सेम स्टेप हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ में, फिफ्थ में
और सिक्स्थ में भी फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 7। डिवाइड करना है 12.45 को, और किससे डिवाइड करना है, 1.5 से। यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे पिछले क्वेश्चन से इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि हम जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी पॉइंट है। तो ऐसे में हम पहले थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। क्या, पहले हम इसे अपॉन फॉर्मेट में लिखते हैं, 12.45 अपॉन 1.5। अब ऊपर भी पॉइंट आ रहा था, नीचे भी पॉइंट आ रहा था, तो इसलिए हमें ये स्टेप करना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स बनाएंगे। पॉइंट के राइट हैंड साइड पे दो डिजिट्स हैं, तो नीचे भी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे दो बनानी पड़ेंगी। एक तो दी है, दूसरी हम खुद ज़ीरो लगा कर लिखेंगे, और अब इन पॉइंटों को हम हटा देंगे। तो क्वेश्चन हो जाता है 1245 अपॉन 150। अब हम इन्हें डिवाइड करके दिखाएंगे 150 के टेबल से, ऊपर वाला नंबर 1245। 150 के टेबल में 124 तो आएगा नहीं, तो हमें चारों लेनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो लास्ट वाली जीरो तो लास्ट में ही लग जाएगी अपने आप, बचा ये 15। 15 के टेबल में 124 तो आता नहीं, 15 × 8 करेंगे आप, 15 × 8 = 120 होता है, 124 आता नहीं है, तो हम 158 ही करेंगे। ये ज़ीरो तो हम लगा चुके थे, 15 × 8 = 120 हो जाएगा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 54। अब कोई वैल्यू तो है नहीं ऊपर से नीचे ले आए जिसको, तो पॉइंट लेके आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ज़ीरो। ठीक है, अब ये लास्ट की ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएगी, और ये जो 45 है ये 15 के टेबल से कट जाएगा। कितने जा, 15 × 3 = 45, और माइनस करके रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। तो फाइनली जो हमने डिवाइड करके आंसर फाइंड करा वो है आया 8.3। तो इस तरह से पार्ट नंबर 7 करना है। 8th पार्ट सेम वे में मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। पहले हमने इसे अपॉन में लिखा, फिर इनके पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के राइट हैंड साइड पे ऊपर दो डिजिट थी, तो नीचे ज़ीरो लगा के वहाँ भी दो डिजिट दिखाई, और तब पॉइंट हटाया। इसी तरह 9th भी करना है। 9th देखो कैसे करेंगे, पॉइंट दोनों में आ रहा है तो अपॉन में लिखेंगे हम 0.896 अपॉन 0.35। ऊपर जो है पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 3 वैल्यू है, और नीचे पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 2 है, तो यहाँ 0 लगा के इसमें भी 3 बनाएंगे और पॉइंटों को हटा देंगे। अब आपका क्वेश्चन है 896/350। अब आप 350 से डिवाइड करोगे 896 को, जो लास्ट की ज़ीरो है वो तो लास्ट में आ जाएगी 6 के नीचे। अब 35 है और यहाँ 89 लिखा है, 35 × 2 = 70 होता है, 3 जा करोगे ना तो 89 से बड़ा आएगा, इसलिए हमने 35 × 2 = 70 लिया। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 196 आएगा। पॉइंट लेके यहाँ क्या लगाएंगे, ज़ीरो। पॉइंट लेके यहाँ पर ज़ीरो लगा लेंगे। अब 350 के टेबल में 1960 को देखना है, लास्ट की ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएगी। अब 35 के टेबल में 196 तो आएगा नहीं, 35 × 5 अगर आप करोगे तो 175 आएगा, वो सही है, 35 × 5 = 175। माइनस करोगे तो ये बजेगा 210। पॉइंट लग ही चुका है, जब एक बार आंसर में पॉइंट लग जाए तो आप एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगा सकते हो। ये ज़ीरो हमने अपनी तरफ से नहीं लगाई, ये तो माइनस करके आई, ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, और ये ज़ीरो पॉइंट की वजह से हमने अपनी तरफ से लगाई है। लास्ट की ज़ीरो 350 की, वो तो लास्ट में आ जाएगी। अब 35 बचा, 35 के टेबल में 210 देखना है, 35 × 6 अगर आप करेंगे तो 210 ही होता है, 35 × 6 = 210, और माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा, ज़ीरो। तो फाइनली जो 9th पार्ट का आंसर आया वो आया 2.56। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पार्ट, 140.15 डिवाइड बाय 10। देखो जब भी डिवाइड बाय 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या डिवाइड में ऐसे नंबर बना रखा हो, अपॉन के नीचे ऐसा नंबर हो डिवाइड के बाद जिसमें सिर्फ 1 वाली वैल्यू हो, 1 के आगे 0 हो या 1 के पहले 0 हो, तो ऐसे में हमें
ओरली करना होता है। क्या करना है आपको, वन के राइट हैंड साइड पे कितनी जीरो दिख रही है, सिंगल जीरो। तो आप डिवाइड जब 10 से करोगे ना, तो पॉइंट को डिवाइड करने की वजह से लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट करना है, जितनी जीरो आएंगी उतनी लेफ्ट पर शिफ्ट कर देंगे। तो 14015 को तो ऐसे ही लिखो, पहले जो पॉइंट था वो जीरो के आगे राइट पर लगा हुआ था, अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब हम पॉइंट को लेफ्ट पर शिफ्ट कर देंगे एक प्लेस, ठीक है। तो जो पॉइंट पहले जीरो के आगे आ रहा था वो अब जीरो के एक प्लेस पीछे आ जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड 10 से कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो, 56 डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड जो है हम 100 से कर रहे हैं, इसमें भी 1 के आगे ही ज़ीरो आ रही हैं, तो कितनी ज़ीरो आ रही हैं आप देखो, यहाँ 2 ज़ीरो आ रही हैं। तो आपको पॉइंट क्या करना है, पॉइंट 2 डिजिट पीछे कर देना है। अब 56 में पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा, तो जिसमें पॉइंट कहीं नहीं दिखता ना, उसमें एक्चुअली में पॉइंट लास्ट में होता है। तो ये 56 का मतलब क्या है, ये 56.0 है, जिसको 56 लिख दिया गया था। अब हम डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, तो 100 में 2 ज़ीरो आ रही हैं, तो पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट कर देंगे, तो लास्ट से 2 डिजिट पहले यहां आ जाएगा पॉइंट, ये जीरो हमें खुद लगानी है, तो 0.56 आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, 137 डिवाइड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 137 तो सेम ही आएगा, 1000 में 3 जीरो हैं तो लास्ट से 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, या तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, 26.467 डिवाइड 0.1। सबसे पहला वर्क यहाँ पे आपको पॉइंट ऊपर भी दिखाई देगा नीचे भी, तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये बात समझाई थी, जब पॉइंट ऊपर वाली वैल्यू में भी हो और नीचे वाली वैल्यू में भी हो तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के राइट हैंड पर देखना है कि यहाँ 3 डिजिट आ रही हैं, तो नीचे भी पॉइंट के राइट पर आप 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दो, ताकि दोनों में पॉइंट के आगे 3-3 डिजिट्स आ जाए और फिर पॉइंट को हटा दिया जाए, ठीक है, पॉइंट को हटा दिया जाए। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 100 है, सिंपल है, 100 से डिवाइड कर रहे हो, इस जीरो का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, 100 से डिवाइड कर रहे हो आप, किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो 100 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही लिखना है जैसे अभी हमने ऊपर पार्ट करे थे, वही सेम करना है, ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही लिखें, 100 में 2 जीरो आ रही हैं तो लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 264.67 आंसर हो जाएगा। अब देखें फिफ्थ पार्ट, 4.52 डिवाइड 0.01, दोनों में पॉइंट आ रहा है, जब दोनों में पॉइंट आ रहा है तो आप पॉइंट के राइट पर ऊपर देखो 2 डिजिट, पॉइंट के नीचे देखोगे राइट पर 2 डिजिट, तो इसमें हमें 0 ऐड ही नहीं करनी पड़ेंगी, ये पॉइंट ऐसे ही हट जाएंगे। अब ये पॉइंट जब हटे तो नीचे सिर्फ 1 नज़र आएगा, इन 0 का कोई मीनिंग नहीं है अब, तो ये 1 है बस, 1 से अगर हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब देखिए सिक्स्थ, 135.4 डिवाइड 0.001, देखो यहाँ पॉइंट के राइट पर एक डिजिट है, यहाँ पे आखिरी से पॉइंट कितने डिजिट पहले, एक डिजिट, और यहाँ पे आखिरी से 3 डिजिट पहले, तो यहाँ पर हमें ऊपर 2 जीरो लगानी पड़ेगी ताकि यहाँ पर भी पॉइंट कितने डिजिट पहले दिखाई दे, 3 डिजिट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे। अब स्टार्टिंग की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इन्हें छोड़ दो आप, इन्हें आप छोड़ दो, तो डिवाइड में क्या बचेगा, 1, और जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है, तो 135400। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5, राइट द फॉलोइंग नंबर एज डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल में पॉइंट में करना है, 81 को डिवाइड करना है 25 से, तो ये डिवीजन मैंने यहाँ शो कर रखी है और आंसर डेसिमल में लिख रखा है। अगला था 50 को डिवाइड करो 16 से, तो 50 को अंदर लिखा, 16 को बाहर और डिवाइड करके ये भी आंसर हमने डेसिमल में फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट है, 38 को डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो अंदर आएगा, ठीक है, तो 38 को अंदर लिखेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बाहर आएगा। अब यहाँ पे बड़ा नंबर बाहर है और बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो एक छोटी वैल्यू को, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तो डिवाइड होगी नहीं,
तो आपको सबसे पहले शुरू में ही पॉइंट लगा के यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो। फिर आप 125 टू जा रफ में मल्टीप्लाई करोगे 250 होता है, 125 थ्री जा करोगे तो 375 आएगा। तो हम यहाँ 125 थ्री जा करेंगे 375 और माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 5। पॉइंट हमने आंसर में लगा ही लिया है, जब हम आंसर में पॉइंट लगा चुके हैं तो एक ज़ीरो हम खुद ले सकते हैं, तो ये 50 बन जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे कि पॉइंट की वजह से ज़ीरो लगने के बाद भी ये 125 के टेबल से कट नहीं रहा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 125 ज़ीरो जा करना पड़ेगा, ज़ीरो, और माइनस करके रिमाइंडर क्या आएगा, 50। अब पॉइंट लगा हुआ था तो इस स्टेप में भी हम एक ज़ीरो खुद ले लेंगे, जैसे यहाँ पिछले स्टेप में ज़ीरो ली थी। तो अब हर स्टेप में एक एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं पॉइंट की वजह से, कभी भी दो ज़ीरो नहीं बढ़ानी पॉइंट की वजह से, एक तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पिछले स्टेप में भी एक बढ़ाई थी और डिवाइड कर दिया, अब इस वाले स्टेप में भी एक ज़ीरो लगा दी और ये 500 बन गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 125 कितने जा होगा, 125 सिक्स जा करोगे तो 750 आएगा, 125 फाइव जा ये आएगा 125 × 5 625, वो भी बड़ा आ रहा है, 125 फोर जा 600 500, 125 फोर जा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 500 और रिमाइंडर ज़ीरो। तो फाइनल आंसर हो गया 0.304, पॉइंट के पीछे कुछ ना हो तो ज़ीरो लगा दो। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 0.304। इसी तरह से पार्ट नंबर फोर भी करना है, ये मैंने यहाँ फोर का सॉल्यूशन कर रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर फिफ्थ, सेम वे में डिवाइड करके आप आंसर डेसिमल में लाओगे। सिक्स्थ में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था, तो हमें सबसे पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलना है और इम्प्रॉपर में बदलने के बाद उसे डिवाइड करके आंसर पॉइंट में बना लेंगे। सेम वे में सेवन्थ भी करना है, कुछ भी थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है क्वेश्चन में, बस यहाँ पर मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में बदल के फिर डिवाइड करेंगे। एट्थ पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने पहले 125 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 750, और फिर 750 में ये 1 जो था ये प्लस करा तो बन गया 751, और अपॉन का 125 अपॉन में है। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 125 के टेबल से डिवाइड करेंगे, किसको, 751 को। अब आप क्या करेंगे, 125 का टेबल रफ में लिखेंगे, 125 इंटू 6 जो है 750 होता है, तो 125 सिक्स जा 750 लिखोगे, माइनस करके रिमाइंडर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लिया जाएगा। अब पॉइंट लगने के बाद 0 तो ले चुके हो, तो अब आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करोगे, होगा नहीं क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप 125 0 जा 0 लो, क्यों, क्योंकि 10 तो हो ही नहीं रहा था डिवाइड, तो हमने 10 से भी छोटा बनाया, 125 0 जा 0, माइनस करके 10 आया। पॉइंट लगा हुआ है, जब कभी भी पॉइंट आंसर में लगा हुआ होता है तो एक ज़ीरो आप ले सकते हो, तो मैंने ये एक ज़ीरो लगा दी। अभी भी 125 से डिवाइड होगा नहीं, जब ये नंबर 125 से डिवाइड हो ही नहीं रहा तो आप इसमें क्या करोगे, 125 वन जा 125 नहीं करोगे, वो तो बड़ा हो जाएगा, वन जा ना करके ज़ीरो जा करो, 125 ज़ीरो जा क्या होगा, ज़ीरो, और माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा, 100। पॉइंट आंसर में लगा हुआ ही था तो अगले स्टेप में भी ज़ीरो ले ली, यहाँ पे भी पॉइंट की वजह से ज़ीरो लगाया, यहाँ भी पॉइंट की वजह से ज़ीरो लगाया, यहाँ भी पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो लगा दिया। अब 125 के टेबल में देखेंगे, 125 8 जा कितना होता है, 1000, तो यहाँ पे 8 जा कर देंगे 1000, पूरा डिवाइड होगा। अब आपका फाइनल आंसर आ गया 6.008। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट, प्रूव करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन में आप इक्वल की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अलग सॉल्व करेंगे और इक्वल की जो राइट साइड पर एक्सप्रेशन दिया है इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 3.6 इंटू ब्रैकेट 5.4 प्लस 11.72। सबसे पहले आपको बॉड मास रूल फॉलो करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर प्लस में करने के लिए दिए हुए हैं
पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे। 3.6 को कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई को कुछ नहीं करना है, पहले आप ऐड करोगे 5.4 को और 11.72 को, तो आपको आंसर रफ में ऐड करके मिल जाएगा 17.12। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो प्लस करना था वो हो चुका है। अब आप रफ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, 17.12 को मल्टीप्लाई 3.6 से, तो आपको रफ में करके आंसर मिलेगा 61.632। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड RHS हेडिंग डालेंगे हम, और इसमें हम RHS वाली साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे 3.6 इंटू 5.4 प्लस 3.6 इंटू 11.72। इसमें भी हम बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आती है, जहां इस क्वेश्चन में यहां इस RHS में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। बी फॉर ब्रैकेट, बॉड मास ओ फॉर ऑफ, ऑफ कहीं नहीं है, डिवाइड भी कहीं नहीं है, मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई दिखेगा आपको और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई। तो बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले होता है और ये जो बीच का प्लस साइन है ऐड, ये बाद में होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, 3.6 को मल्टीप्लाई करना है 5.4 से, तो आप रफ में करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.44। प्लस अभी हम कर नहीं रहे, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 की मल्टीप्लाई 11.72 से। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 42.192। अब फाइनली इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन है, तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर आएगा 61.632, जो कि सेम है लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के। तो बस क्वेश्चन में यही था कि प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल है। तो हमने यहाँ सॉल्व करके देखा, LHS और RHS इक्वल आ गए, तो हम एट लास्ट लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। बी पार्ट में आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा है, तो इन तीनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल, पहले आप इन दो की मल्टीप्लाई करके आंसर 7.28 लिखोगे और जो थर्ड था वो एज इट इज़ आएगा। फिर फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर 18.2 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे, ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो प्रूफ वाले में पहले आप LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। LHS क्या दिया है, 4.6 इंटू ब्रैकेट 0.8 इंटू 10.5, आगे इक्वल का साइन आ गया, तो वो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम इतना ही पार्ट सॉल्व करते हैं। 4.6 को कुछ नहीं करना है, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वाले को, 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे रफ में 10.5 से। तो जब आप रफ में करके देखोगे आंसर आएगा 8.40। लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 8.4 ही लिखना इसे डायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, 8.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.6 से, तो आपको आंसर मिलेगा 38.64। लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब RHS लिखते हैं राइट हैंड साइड, 4.6 इंटू 0.8 ये ब्रैकेट में है और मल्टीप्लाई में 10.5 है, तो पहले ब्रैकेट होगी, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होती है, तो हम 4.6 की मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे, तो आंसर बनेगा 3.68। मल्टीप्लाई 10.5 एज इट इज़ लिखना है। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 3.68 की मल्टीप्लाई 10.5 से, तो आपको आंसर मिलेगा 38.64। ये राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन भी यही था कि आप प्रूव करो LHS का आंसर RHS के इक्वल है, तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। तो एट लास्ट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो आ गई। तो इस तरह से आप ये 6 के तीनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई
फर्स्ट पार्ट तो इजी था, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। सिंपल हमें यहाँ पहले दो की मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है और थर्ड वाले को एज इट इज़ लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, ब्रैकेट में है 2.8 इंटू 1.6, फिर डिवाइड है 12.8। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, पहले ब्रैकेट होनी चाहिए, तो हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2.8 को मल्टीप्लाई 1.6 से करना है तो आपका आंसर बनेगा 4.48 और डिवाइड बाय 12.8 एज इट इज़ आएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे? ऐसी डिवीजन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ। क्या करना है आपने, आप जो है पहले इन्हें अपॉन में लिख लो, 4.48 को और 12.8 को। अपॉन में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाले नंबर में भी पॉइंट आ रहा है, नीचे वाले में भी। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, ऊपर पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रही हैं, नीचे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो मैं नीचे ज़ीरो लगा के यहाँ भी दो बना लेता हूँ, फिर इन पॉइंटों को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, डिवाइड करना है 1280 से। ऊपर वाला नंबर अंदर आता है 448 को। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि 1280 तो बड़ा है, उसके टेल में 448 छोटी नंबर नहीं आएगी, तो आपको शुरुआत में ही पॉइंट लेना पड़ेगा और पॉइंट लेके क्या लगाना पड़ेगा, ज़ीरो। अब आप 1280 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे रफ़ में तो 2560 आएगा, ऐसे ही 1280 3 जा करके देखोगे तो 3840 आएगा। तो हम यहाँ 3 जा करेंगे क्योंकि आंसर 4 जा बड़ा हो जाएगा, 1280 3 जा लिखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 1280 3 जा 3840 और इन्हें माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 640 रिमाइंडर माइनस करके। पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट आंसर में लगा रखा था इसलिए एक ज़ीरो आ गई। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, हमें यहाँ 1280 5 जा करके देखना है रफ में, 1280 5 जा कितना होता है, 6400 ही होता है, यानी हमने यहाँ फाइनली डिवाइड कर लिया। पॉइंट के पीछे कोई नंबर ना हो तो ज़ीरो लगा देते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 0.35। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, ब्रैकेट में है 12.8 डिवाइड 0.125 डिवाइड बाय 3.2। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो, 12.8 को डिवाइड करना है 0.125 से। अपॉन में लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन डिजिट है जबकि ऊपर पॉइंट में एक ही डिजिट है, तो हम दो ज़ीरो लगा के यहाँ भी पॉइंट के बाद तीन बना लेंगे, फिर इन पॉइंटों को हटा देंगे। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 125 से डिवाइड करना है, नीचे वाला नंबर बाहर आता है ऊपर वाला नंबर अंदर आता है। 125 वन जा कितना होता है, 125 माइनस करके रिमाइंडर आएगा 3, ऊपर से लेंगे एक ज़ीरो, जब ऊपर से एक ज़ीरो नीचे आ जाएगी तो ये 30 बन जाएगा, बट 30 तो 125 के टेबल से होगा नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ अगली वैल्यू नहीं उतारनी, हम पहले इसे यहीं करेंगे। 125 वन जा तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम ज़ीरो जा करेंगे, 125 ज़ीरो जा ज़ीरो और रिमाइंडर माइनस करके आएगा 30। अब हम अगली डिजिट भी उतार सकते हैं, अब 125 सिक्स जा करोगे आप तो आपका 125 सिक्स जा तो बड़ा हो जाएगा, 125 टू जा, 125 इंटू टू करेंगे तो बनेगा 250 और इन्हें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 50। अब हम पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचा, पॉइंट लेके यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। 125 सिक्स जा करेंगे तो 750 होता है, 125 फोर जा 500 हो जाएगा, 125 फोर जा 500। तो फाइनली हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया है और आंसर क्या आया है, आंसर आया है वो यहाँ लिखते हैं, 102.4 आया है। आगे क्या है, डिवाइड का सिंबल, डिवाइड किससे हो रहा है, 3.2 से। अब यहाँ हमें फिर दोबारा डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 102.4 को डिवाइड करना है 3.2 से। पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट थी, यहाँ भी, तो पॉइंट तो हट जाएगा, बस अब हम फाइनली 32 से 1024 को क्या करेंगे, डिवाइड। 32 फोर जा अगर आप करेंगे ना तो 128 होगा जो कि बड़ा होगा, 32 3 जा करेंगे, 32 3 जा 96
रिमाइंडर 6, ऊपर जाएगा 4, 32 2 जा करेंगे तो 64 और रिमाइंडर 0। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला डिवाइड करके फाइनल आंसर वो आया 32। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 0.252। वो कह रहा है जब आप दो डेसिमल्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो हम भी यहाँ लिखते हैं रोमन नंबर फर्स्ट और रोमन नंबर सेकंड, इन दोनों डेसिमल नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0.252। दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ये आंसर आएगा, तो ये हमने इक्वल में लिख दिया। वो कह रहा है एक उनमें से, किन में से, जो दो डेसिमल नंबर थे उनमें फर्स्ट वाला जो है वो 0.72 है, और आप फाइंड करो अदर, ये जो सेकंड वाला है ये आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0.252। राइट हैंड साइड पे ऐसे ही लिखेंगे। अब अगर आपको ये सेकंड नंबर फाइंड करना है तो इसके लेफ्ट पर जो मल्टीप्लाई में ये 0.72 है ना, ये मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में आ जाएगा। कोई चीज़ अगर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई में आ रही है तो राइट पे जाकर वो डिवाइड में आएगी। और अब आप देखोगे पॉइंट के राइट पर तीन डिजिट हैं, जबकि यहाँ पॉइंट के राइट पर दो हैं, तो मुझे यहाँ ज़ीरो लगा के यहाँ भी तीन करनी है, जैसे यहाँ तीन डिजिट आ रही थी, ताकि ये पॉइंट से पॉइंट हट जाए। और अब हम फाइनली 720 से डिवाइड करेंगे 252 को। ऊपर वाला नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमेशा उसको इनसाइड लिखना है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। 720 से 252 तो होगा नहीं, शुरू में ही पॉइंट लेके यहाँ ज़ीरो बनाना पड़ेगा। 722 जा करेंगे तो 722 जा होता है 1440, और अगर 723 जा करा जाए तो 2160, ये सही बैठेगा। 723 जा 2160, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 360। पॉइंट हमने ले ही रखा है तो एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं अपने आप। 726 जा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 725 जा करेंगे, 725 जा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3600। आप रफ में करके देखना तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.35। पॉइंट के पीछे कुछ नहीं था तो यहाँ ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट 10.50। ए वर्ड आ रहा है इसमें, ए वर्ड का मतलब एक, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट बार। एक चॉकलेट बार की कॉस्ट कितने रुपीस है, 10.50। आपसे लास्ट में जाकर पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 बार्स ऑफ चॉकलेट, व्हाट मतलब फाइंड करो 8 चॉकलेट कितने की होंगी। तो अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट बार। अभी यहाँ पर पैकेट ऑफ चिप्स भी था, वो हमने अभी रीड नहीं करा, अभी हम उसे बाद में रीड करेंगे, पहले हम सिर्फ चॉकलेट पर फोकस करते हैं। एक चॉकलेट की बार 10.50 की थी और आपसे पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट, तो 8 चॉकलेट तो ज़्यादा की होंगी, ज़्यादा के लिए आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 10.50 की, क्योंकि जब आप चॉकलेट ज़्यादा लोगे तो आपको मनी भी ज़्यादा देनी होगी, तो इसलिए ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। 10.50 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आपका 84.0 आएगा। पॉइंट के आगे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 84 रुपीज़ आपके खर्च होंगे 8 चॉकलेट लेने में। अच्छा, आगे ये बोला था ए पैकेट, ए का मतलब एक पैकेट चिप्स का कॉस्ट है इतना, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ चिप्स। एक पैकेट चिप्स का कितने रुपीज़ का है, 6.75। और पूछा क्या है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट ऑफ चिप्स, तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट ऑफ चिप्स। एक पैकेट कम का है बट 5 जब लोगे तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी, तो 6.75 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 6.75 into 5, तो 33
0.75 रुपीज़ हमें खर्च करने पड़ेंगे पांच चिप्स के लिए। तो टोटल मनी कितनी चाहिए? टोटल मनी हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसकी? टोटल कॉस्ट सारी चॉकलेट 84 रुपीज़ की, प्लस सारे चिप्स 33.75 के। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो फाइनली जब आप इन्हें रफ में ऐड करोगे ना, तो आप 84 के आगे पॉइंट लेके ज़ीरो लगाना और फिर उसमें 33.75 जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके जोड़ना, तो आपको आंसर मिलेगा 117.75 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। 8 कॉपीज ऑफ बुक। ये कॉपीज क्या है? बुक भी कह रहा है, कॉपी भी कह रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कॉपी नोटबुक नहीं है, आप अपनी नोटबुक को कॉपी बुलाते हो, वो गलत वर्ड है। नोटबुक को कॉपी नहीं बुलाया जाता। कॉपी किसे कहते हैं? कॉपी होता है सेम चीज। कॉपी का मतलब क्या हो गया? सेम। आप सब स्टूडेंट्स के पास सेम टेक्स्ट बुक होती है, तो वो सारी क्या है? एक दूसरे की कॉपी हैं। कॉपी का मतलब सेम, सेम है वो, तो सेम वर्ड के लिए कॉपी बोला है इन्होंने, ठीक है ना। 8 सेम काइंड की बुक्स हैं जिनकी कॉस्ट 523.60 है। तो हम भी यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। 8 बुक्स जो सेम काइंड की हैं, कॉपी वर्ड का मतलब सेम काइंड की है, तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज इक्वल टू रुपीज 523.60। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए कॉपी? यहां पे ए आ रहा है, ए का मतलब एक। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक कितने रुपए की है वो फाइंड करना है। तो ये 8 टेक्स्ट बुक के मनी है, और जब आप 8 टेक्स्ट बुक ले रहे हो तो ज़्यादा मनी जा रही है, बट जब आप एक लोगे तो कम मनी जाएगी। कम के लिए आपको डिवाइड करना होता है, ज़्यादा के लिए तो मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा का दिया था बट फाइंड कम का कर रहे हैं, वन का फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो आपको 8 से डिवाइड करना है किसको? 523.60 को। अब आप इसे डिवाइड करोगे, 8 6 48, रिमाइंडर 4, ऊपर जाएगा 3, 8 5 40, रिमाइंडर 3, ऊपर से लेंगे 6, और जब ये ऊपर से 6 नीचे लाया जाएगा तो पीछे पॉइंट है, तो आंसर में भी पॉइंट आएगा। 8 4 32, रिमाइंडर 4, ऊपर से आएगा 0, 8 5 40। तो फाइनली एक बुक की कॉस्ट आ गई, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब फाइनल आंसर हमारा जो आया है वो आया है 65.45 रुपीज़। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो एक किताब कितने की मिल रही है? 65.45 की। तो इस तरह से पार्ट नंबर 10 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11। 40 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद 186 लीटर ऑफ वाटर। वो कह रहा है 40 बर्तन, वेसल का मतलब 40 बर्तन है, हर एक इक्वल कैपेसिटी का है, उनको पानी से भरा जा रहा है, और कितना पानी खर्च हो रहा है? 186 लीटर ऑफ वाटर। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल वाटर, टोटल वाटर कितना है? 186 लीटर। और नंबर ऑफ वेसल्स, बर्तन कितने हैं? बर्तन हैं जिनको हम फिल कर रहे हैं 40। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच? ईच वर्ड किसे कहते हैं? ईच का मतलब हर एक। आपको क्या बताना है? कैपेसिटी हमें फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ ईच वेसल, और ईच का मतलब क्या होता है? हर एक बर्तन की कैपेसिटी। तो हर एक बर्तन की कैपेसिटी बताने के लिए आपको एक की कैपेसिटी बतानी है, तो एक के लिए आपको क्या करना है? मैंने अभी बताया था डिवाइड होता है, कम के लिए डिवाइड, ईच बोला ना, ईच का मतलब एक। तो हमें 40 से डिवाइड करना है किसको? 186 लीटर को। तो 40 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, तो 44 जा कितना होगा? 160, माइनस करेंगे तो ये बनेगा 26।
अब आपका ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये एल जो मैंने लिखा है ना, ये एल लीटर है, ठीक है। अब मैं पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो लूँगा, ठीक है। 40 के टेबल से 260 को डिवाइड करना है, लास्ट की ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएगी। 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ ज़ीरो ले लेंगे। 4 कितने जा 20 होगा, 4 5 जा 20, और ये जो 4 के आगे ज़ीरो थी वो यहाँ लास्ट में आ जाएगी। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4.65 लीटर, यानी 40 बर्तन थे, हर एक बर्तन में कितना लीटर पानी आ रहा है, 4.65 लीटर। ऐसे करके भरते गए तो टोटल वाटर कितना लगा, 186 लीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 26 पीपल, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल पीपल हैं 26। वो कह रहा है कुछ मनी बांटी गई 26 लोगों को, ईच पर्सन गेट इतने रुपीस। हम यहाँ लिखेंगे ईच पीपल रिसीव 1 जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख रहे हैं हम, ईच पर्सन रिसीव्स कितने रुपीस, 6.45 रुपीस। हर एक के पास 6.45 रुपीस आए, और कितने लोगों को बांटे गए, 26 लोगों को। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 पर्सन, यहाँ लिखो मनी गिवन टू या मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, आप लिखो मनी जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई कितने लोगों को, 26 पीपल को। तो 26 लोग तो ज़्यादा हैं, और ज़्यादा लोगों के बांटोगे मनी तो आपकी मनी ज़्यादा खर्च होगी। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 26 लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक को कितने दे रहे थे उससे। एक के पास थे 6.45, एक को आपने बांटे 6.45, तो 26 को ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा के लिए हमने 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 167.7 रुपीस हमारे खर्च हो जाएंगे 26 लोगों को बांटने में, ठीक है। और आगे बोला है एंड 2.30 इज़ लेफ्ट इन द एंड, यहाँ लिखते हैं मनी लेफ्ट इन द एंड। जब सब कुछ मनी बांट दी 26 लोगों को, तो आपके पास कुछ मनी बची, कितनी मनी बची, 2.30 रुपीस बचे। ये वो हैं जो हमारे पास बांटने के बाद बचे हैं, ये वो मनी है जो हमारे पास अब नहीं है, जो हमने लोगों को दे दी। वो पूछ रहा है व्हाट वाज़ द इनिशियल सम ऑफ मनी, आपको फाइंड क्या करना है, इनिशियल सम ऑफ मनी। इनिशियल किसे कहते हैं, स्टार्टिंग में आपके पास कितने थे, बांटने से पहले आपके पास कितनी मनी थी वो बतानी है। तो बांटने से पहले हमारे पास वो मनी भी थी जो अब हमने लोगों को दे दी, 167.7 रुपीस, प्लस बांटने के बाद कुछ बचे थे वो भी हमारे पास शुरू में थे। तो शुरू में हमारे पास इन दोनों का क्या था, सम था, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 170 रुपीस। तो यानी हमारे पास स्टार्टिंग में 170 रुपीस थे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर, आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।